जय हिंद, नमस्कार मेरे शेयर श्रेणियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये एसएससी जीडी जॉब प्रोफाइल के एसएससी जीडी जिसकी अभी भर्ती चल रही है, अगली वैकेंसी 2023 में जो आने वाली है, आपने सुना होगा नाम कई बच्चे, लेकिन इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं जानते कि इसमें एक तो कौन कौन सी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सकता है और उसमें किस प्रकार की ड्यूटी रहती है, पूरा की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। साथ ही लड़कियों के लिए इनमें से कौन सी पोस्ट सबसे बेटर रहती है, लड़कों के लिए कौन सी बेटर रहती है, सबसे ज्यादा सैलरी किस में मिलती है और सबसे कम सैलरी किस में मिलती है, सबसे ज्यादा छुट्टियां कौन सी में मिलती है, सबसे कम छुट्टी किस में मिलती है, ये पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। साथ ही लाडलो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन बेच भी अभी नए शुरू हुए हैं, आप हमारी एकेडमी में आके तैयारी कर सकते हैं गारंटी बेच में, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा जो बेच चल रहा अग्रिम बेच, उसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं आप कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन की मदद से और एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर सकते हैं लाडलो। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें पहले इस भर्ती से पहले 8 सीटें थी, एसएसएफ, NIA, CISF, BSF, CRPF, ITBP, SSB और AR, इस बार NCB, नारकोटिक्स ब्यूरो भी इसमें जोड़ी गई है। तो इनमें सभी का हम बारी बारी कर लेते हैं कि किसकी जॉब कैसी होती है। SSF, सिक्योरिटेड सिक्योरिटी फोर्स, ये जो सचिवालय है उनकी सुरक्षा देखता है, ठीक है। इसकी ज्यादातर जो ड्यूटी रहती है, ड्यूटी जो रहती है वो रहती है दिल्ली में, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो सचिवालय कहाँ है वो है दिल्ली में। इसको सबसे आसान सर्विस माना जाता है, क्यों, सबसे कम रिस्क वाली है, सबसे कम रिस्क, यानी इसमें इस ड्यूटी में कोई रिस्क नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एक सेफ जगह है और पारिवारिक, यानी हमेशा जितने भी साल आपकी 20 साल की सर्विस या 30 साल की जो भी सर्विस करोगे उसमें आपको परिवार साथ में रखने की सुविधा इसमें अच्छी मिलती है, ठीक है। सचिवालयों की निगरानी करती है, सिर्फ सचिवालयों के बाहर आप जो गार्ड देखते हैं वो यही लगते हैं SSF, सिक्योरिटेड सिक्योरिटी फोर्स, दिल्ली पुलिस की तरह ही इनकी ड्रेस होती है, आप ज्यादा फर्क नहीं कर पाओगे। जब आप यहां पर लगा हुआ देखोगे SSF तभी पहचान पाओगे कि ये दिल्ली पुलिस है या SSF है, ठीक है। इसकी जो सैलरी की बात करें तो जो बेसिक पे है लाडलो वो है 21,700, सबसे ज्यादा कटौती इसी की जाती है, यानी जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है वो इसी का फॉर्म भरने की कोशिश करता है, इसी में जाने की कोशिश करता है। उसका मुख्य रीजन ये है, एक तो जिंदगी भर दिल्ली में रहना, आपको पता है जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पर रहने के कई फायदे हैं कि आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, आप हमेशा परिवार के साथ रह सकते हो, कम रिस्क है, यानी रिस्क ना के बराबर है। यहाँ पर सचिवालयों में इनमें बहुत कम रिस्क होता है, ड्यूटी फिक्स टाइम टू टाइम होती है, तो ये भी एक अच्छी जगह है कि आपकी अच्छी आसानी से ड्यूटी निकल जाती है। बेसिक पे 21,700, इसके पास में 24% आपको इसमें डीए मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो तो आप अपने परिवार के साथ रहोगे तो मेगा सिटी का डीए आपको 24% और अभी डीए में शायद बढ़ोतरी भी हो गई है तो 24% पहले वाला डीए आपको मिल जाता है। इसके अलावा रिस्क अलाउंस यहां पर कम मिलता है लेकिन एचआरए मिल जाता है, ठीक है, सॉरी एचआरए डीए नहीं, एचआरए 24%, 24% एचआरए मिलता है, यहां डीए नहीं सॉरी 24% एचआरए मिल जाता है दिल्ली की वजह से। ये चीज मिलाकर अगर आप देखेंगे, अगर पहले साल ही आपकी जो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में तो आपको पेमेंट मिलेगी 21,700, इसके ऊपर थोड़ा डीए मिल जाता है जितना भी उस जो डीए लगा वो, अगर आप देखोगे ट्रेनिंग के बाद में तो लगभग 30,000 से प्लस आपकी सैलरी हो जा रही है फर्स्ट मंथ ही, जो कि आपके हाथ में कटने के बाद में आती है इसमें SSF में। दूसरी आ जाती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इसमें भी रिस्क बहुत कम है इसलिए इस जॉब को बेटर माना जाता है, ठीक है। परिवार के साथ रहने की अनुपति बहुत ज्यादा होती है, आपने देखा होगा कई जैसे बड़े बड़े जो केस है जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस या और भी कई केस है जिनमें NIA के कोट पहनकर लोग घूमते रहते हैं, वो यही होते हैं NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें आपकी ड्यूटी लगने पर सेम सैलरी प्रोसेस मिलती है, इसमें अलग से कोई ज्यादा रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, यानी आपको एचआरए मिल जाता है आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का, जैसे 24% 16% या जो भी 8% जहां पर रहते हो, उसके अलावा डीए और आपकी बेसिक पेमेंट जो है 21,700, ठीक है, लगभग वही 30,000 के आसपास आपकी पहले महीने से इसमें पेमेंट शुरू हो जाती है जैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो। अब बात करते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF की ड्यूटी काफी बच्चे रिकमेंड करते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए ड्यूटी बहुत अच्छी है। लड़कियों के लिए अच्छी ड्यूटी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, CISF की जो लड़कियों की ड्यूटी, क्योंकि ज्यादातर CISF कहाँ ड्यूटी करती है, एयरपोर्ट एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया या मेट्रो, तो ये सभी की सभी जो जगह का होती है मेगा सिटी में होती है, तो लड़कियों के हिसाब से इसलिए अच्छी होती है, एयरपोर्ट में या कहीं पर ड्यूटी है तो अपने परिवार के साथ में वो रह सकते हैं, ठीक है, और सबसे कम रिस्क वाली ड्यूटी है बाकी फोर्सेस की बजाय, क्योंकि ज्यादातर आपने सुना ही नहीं होगा कभी भी CISF की, कभी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई या कहीं, क्योंकि ऐसी जगह इनकी ड्यूटी नहीं लगती, ये ज्यादातर
मेट्रो को प्रोटेक्ट करते हैं या एयरपोर्ट एरिया को करते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया को करते हैं। तो यहाँ पर कोई मुठभेड़ नक्सलियों से आतंकवादियों से होती नहीं है, तो सेफ ड्यूटी है प्लस एक फिक्स टाइम टू टाइम ड्यूटी, जैसे 8 घंटा ड्यूटी बाकी दिन रेस्ट, और आप परिवार के साथ अपने कैंप से बाहर भी रह सकते हो अंदर भी रह सकते हो। तो लड़कियों के हिसाब से सबसे बेस्ट ड्यूटी है, लड़के भी काफी इसको रेफर करते हैं, लड़कों के तो है ये बेस्ट, जो लड़कियों के हिसाब से बेस्ट है तो लड़कों के हिसाब से तो 100% बेस्ट है। और प्लस इसमें जैसे आपको रिस्क अलाउंस भी मिल जाता है पेमेंट के अलावा, जैसे 21,700 आपका पेमेंट है उसमें प्लस एचआरए आपको मिल जाएगा प्लस डीए आपको मिल जाएगा और उसके साथ में रिस्क अलाउंस भी, यानी आप जहां रह रहे हो वहां का रिस्क अलाउंस भी आपको मिलेगा, जैसे अगर दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली का मिलेगा या कहीं पे भी रहते हो तो इसमें रिस्क अलाउंस भी आपके लागू हो जाते हैं। लड़कियों के हिसाब से सबसे बेस्ट है, लड़कों के तो बेस्ट है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है सीआईएसएफ की, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी होती है वो ऐसी जगह होती है जहां पर एक कंफर्ट जोन बना रहता है, तो सबसे बेस्ट ड्यूटी रहती है, हार्ड नहीं रहती किसी प्रकार की, पेट्रोलिंग गश्त ये नहीं करनी। अब अगली है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये लड़कियों के हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूटी हार्ड है, बॉर्डर एरिया में ड्यूटी है, इसमें गश्त भी जानी पड़ती है, पेट्रोलिंग भी जाना पड़ता है और काफी हार्ड ड्यूटी है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। लड़कों के हिसाब से भी हार्ड है, लेकिन लड़कों का तो चलो कोई बात नहीं, मुस्टंडे है कर ही लेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पेमेंट इसमें अच्छा मिल जाता है क्योंकि रिस्क अलाउंस अच्छा मिलता है, जैसे अगर मान लो आप जम्मू में ड्यूटी कर रहे हो तो लगभग 20,000 आपको रिस्क अलाउंस के एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए जम्मू पुंज में या यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो जहाँ पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर एरिया है और जहाँ हाई रिस्क है तो वहाँ पर लगभग बीएसएफ में 20,000 के आसपास रिस्क अलाउंस मिलता है, और वही रिस्क अलाउंस सीआईएसएफ में हम बात करें तो 5,000-7,000 ऐसे मिलता है। तो यानी रिस्क अलाउंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पेमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाती है बीएसएफ में, ध्यान रखना। कई ऐसे जो शांत एरिया वहाँ पर रिस्क अलाउंस आपको ज़्यादा नहीं मिलता, डीए वही मिलेगा एचआरए वही मिलेगा, लेकिन लड़कियों के हिसाब से थोड़ी सी हार्ड ड्यूटी है क्योंकि बॉर्डर एरिया में हमने देखा जैसे जैसलमेर भी कभी जाओ तो वहाँ पर कई जो लड़कियां हैं वो ड्यूटी करती हुई आपको दिख जाएगी, थोड़ा सा हार्ड ड्यूटी पड़ती है। फैमिली रखने की सुविधाएं भी सब जगह नहीं है बीएसएफ में अभी भी, क्योंकि बॉर्डर एरिया में नहीं होती ज़्यादा सुविधा, इस वजह से लड़कों के हिसाब से कोई टेंशन नहीं है, शानदार फौज वाले ऐसी फीलिंग आएगी, बढ़िया से कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ आपकी मुलाकात होती रहेगी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें मैंने सर्विस की है भाई पांच साल मैंने सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जिसमें आपको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, ये लड़कियों के लिए भी अच्छी है लड़कों के लिए भी अच्छी है। हाँ इसमें रिस्क जरूर है, जैसे सीआईएसएफ ज्यादातर अगर आप सीआरपीएफ की बात करेंगे तो कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ करती है, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करती है, रिस्क वाली ड्यूटी जरूर है, लेकिन इसमें एक तो पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि रिस्क अलाउंस सब जगह है सीआरपीएफ में, सब जगह रिस्क अलाउंस, अगर आप जम्मू कश्मीर में 17,000, कोबरा में आप है छत्तीसगढ़ में 17,300 रिस्क अलाउंस सब जगह, किसी भी जगह सीआरपीएफ की ड्यूटी लगेगी वहाँ रिस्क अलाउंस, इलेक्शन ये कराएंगे उस समय इलेक्शन अलाउंस, मतलब पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है सीआरपीएफ में आपको कहीं, और हमें सबसे बड़ी बात पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिल जाता है, जैसे मैंने ड्यूटी के दौरान में कश्मीर में रहा हूँ अमरनाथ यात्रा में, इसके अलावा मैं वैष्णो माता की ड्यूटी किया हूँ, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर किया, मध्य प्रदेश में मैंने इलेक्शन कराए हैं, आंध्र प्रदेश में किए हैं, कर्नाटक में किए, यानी ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह अरुणाचल प्रदेश गया हूँ, यानी सब जगह सीआरपीएफ में आप ड्यूटी करते हुए रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का कार्यवाही कौन है, जो आंतरिक सुरक्षा देश की वो कौन देखती है, सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में एक तो पेमेंट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा दूसरी फोर्स की बजाय, ठीक है, पेमेंट हमेशा अच्छा मिलेगा दूसरी फोर्स की बजाय, अगर किसी भी फोर्स में देखा जाए इनमें से तो सबसे अच्छा पेमेंट अगर कोई उठाता तो सीआरपीएफ का जवान उठाता है, ठीक है, थोड़ी रिस्क, और रिस्क भी सबसे ज्यादा अगर वो उठाता वो भी सीआरपीएफ का जवान उठाता है, क्योंकि अगर आप आए दिन नक्सलियों से मुठभेड़ के सुनते हैं जिसमें जो भी जवान शहीद होते हैं अक्सर सीआरपीएफ के जवान ही शहीद होते हैं, कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ करने में भी जो जवान शहीद होते हैं आरआर के साथ में वो सीआरपीएफ ही ड्यूटी करते हैं, तो सीआरपीएफ के जवान काफी शहीद भी होते हैं देश में, शहादत भी खूब देते हैं, सीआरपीएफ की एक अलग से पहचान भी है देश में, जैसे कोबरा में। दूसरी बात, सीआरपीएफ के माध्यम से आप कई भर्ती में जा सकते हैं, जैसे कोबरा कमांडो आप बन सकते हैं, आरपीएफ में जा सकते हैं, आरएफ में जा सकते हैं, आरएफ में जा सकते हैं, एनडीआरएफ में जा सकते हैं, एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं, वीआईपी में जा सकते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ से आप सीबीआई में जा सकते हैं, एज ए गार्ड ड्यूटी, एनआईए में जा सकते हैं, तो सीआरपीएफ से आप जा भी कई सेक्टर में जा सकते हैं, तो लड़कियों के हिसाब से भी ये बेस्ट है, लड़कों के हिसाब से बेस्ट है, रिस्क थोड़ी सी इसमें रहती है लेकिन सबसे अच्छी ड्यूटी सीआरपीएफ की भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, बाकी पेमेंट अच्छा है और आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं कई फोर्सेस में जाने के, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करें आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी की जो ड्यूटी है ज्यादातर इंडियन तिब्बत का जो बॉर्डर है इस पे ही होती है, लड़कियों के हिसाब से भी थोड़ी मुश्किल ड्यूटी है, लड़कों के हिसाब से भी थोड़ी मुश्किल है,
ठीक है, ज्यादा तो जो ड्यूटी है हाई रेटेड एरिया में रहता है, फैमिली रखने की सुविधा बहुत कम आईटीबीपी में, आज के समय में भी पेमेंट अच्छा मिल जाता है, रिस्क अलाउंस अच्छा मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड ड्यूटी है आईटीबीपी की। एसएसबी, ये लड़कियों के लिए सबसे सशस्त्र सीमा बल, क्यों? नेपाल बॉर्डर पर है। अब नेपाल बॉर्डर से तो आपको पता ही हमारे देश के रिश्ते कैसे, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो बहुत आसान ड्यूटी है। एसएसबी की कोई हार्ड ड्यूटी है ही नहीं, बहुत आसान ड्यूटी है, लड़कियां सबसे ज्यादा डालती है एसएसबी, क्योंकि बहुत अच्छी ड्यूटी है और लड़कों के हिसाब से भी अच्छी ड्यूटी है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्य रूप से काम एक तो नेपाल बॉर्डर और इलेक्शन जैसे काम भी, देश में आंतरिक सुरक्षा के कामों में भी ये मदद करती है, तो काफी अच्छी ड्यूटी है। पेमेंट भी ठीक है, एसएसबी का अलाउंस कम रहता है लेकिन फिर भी ठीक रहता है, लेकिन स्पेशली लड़कियों के हिसाब से सबसे बेस्ट है एसएसबी। एसएसबी और सीएसएफ लड़कियों के हिसाब से सबसे बेस्ट ड्यूटी है, क्योंकि ये बहुत ही शांत एरिया में होती है। असम राइफल उन बच्चों के लिए ज्यादा बेस्ट है जिनका सपना होता है आर्मी में जाने का, क्योंकि इनकी ज्यादातर ड्यूटी कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, तो जो भी बच्चा आर्मी में जाने का सपना देखता है उसके लिए सबसे बेस्ट है असम राइफल। ठीक है, असम राइफल की जो ड्यूटी है वो बहुत बेस्ट है उन लड़कों, क्योंकि एक तो आपको आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिल जाता है, आर्मी की कैंटीन सुविधाएं मिल जाती है, वो भी सुविधा आपको पूरी मिल जाती है, और जिनको आर्मी में जाने का जुनून था आर्मी में नहीं लग पाए उनके लिए असम राइफल काफी अच्छी है, प्लस नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ड्यूटी रहती है पूरी सर्विस, तो उस हिसाब से भी उधर के जो बच्चे उनके लिए बेस्ट है ये असम राइफल। इसमें जो जितने भी कमांड होती है वो आर्मी ऑफिसरों के थ्रू होती है, अलाउंस अच्छे मिल जाते हैं इसमें, पेमेंट अच्छे मिल जाते हैं, ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, इसकी भी ड्यूटी काफी हार्ड होती है, लड़कियों के हिसाब से थोड़ी मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ। इनमें जाते हैं जो जितनी भी लड़कियां हैं इसमें ज्वाइन करेगी उनकी जाते ही टकली कर दी जाएगी, मतलब बाल काट दिए जाते हैं तुरंत ही, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाता, पूरा आर्मी वाले रूल रेगुलेशन लगते हैं ट्रेनिंग के दौरान से, जैसे लड़कों की जाती है वैसे ही इनकी की जाती है। एनसीबी, नार्कोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये इस बार ही जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये ड्यूटी भी आसान है, इसकी ज्यादा पोस्ट आई नहीं है, जबकि इसकी ड्यूटी ज्यादा हार्ड नहीं है, पेमेंट सेम एसएसएफ वाला ही इसमें है लाड लो। तो ये है मोटा मोट एसएससी जीडी का जॉब प्रोफाइल। अब आपके और भी कोई सवाल संदेह रह गए तो आप कमेंट करिए भाई। जय हिंद, जय भारत।